सबसे पहले हम वाटर का फ्री प्रोसेस करेंगे। देखिए पहले ना जब वाटर को फ्रिज में रखा जाता है तब वो आइस क्यूब बनता है। पर जब आप ऐसे करोगे फॉर एग्जाम्पल आप कीजिए जैसे एक पैन में पानी डालिए फिर वो पानी राइज अप होगा और फिर वो पानी स्टिक हो जाएगा वो इससे फिर वो बर्तन से और फिर वो नीचे गिरने लगेगा। थोड़े से मिनट के बाद निकालिए फिर अब और फिर अब ये मेल्टिंग प्रोसेस है। इसमें आप लोगों को आइस क्यूब को सन के नीचे रखना पड़ता है फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर के और क्या आप लोगों को बताएं कि ये रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले सनलाइट जब वाटर्स को हीटअप करती है यहाँ तब ये और ये जो आप देख रहे हैं रिवर टाइप ये एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको जो भी बोलते हो ये एक्चुअली स्टीम है और ये स्टीम राइज तब वाटर स्टीम में बदल जाता है। और चिंता मत करिए ये पानी ख़त्म नहीं हो जाता सूर्य में चला नहीं जाता ये पानी कूल एटमॉस्फेयर को मिलता है। कूल एटमॉस्फेयर को मिलने के बाद ये पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। ये बूंदें गैदर करते हैं एक बादल बनाने के लिए पर जब ये बादल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तब ये बारिश हो जाता है। आप यह प्रोसेस देख सकते हैं ये एरो प्रोसेस पॉसिबल है देख सकते हैं आप लोग। और चलिए थोड़े से क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप चलिए थोड़े से क्वेश्चन को आंसर करते हैं। मैं आपको लोगों को थोड़े से क्वेश्चन दूंगा और आपको आंसर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर वन हाउ इज रेन फॉर्म्ड हाउ डज व्हेन इज रेन फॉर्म्ड। नंबर टू इज द फ्रीजिंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज व्हेन द फ्रीजिंग प्रोसेस हैपेंस टू वाटर व्हेन इट इज स्प्रिंग सीजन। Process of water happens how and why? तो how and why मतलब कैसे? Question number two दो ही question होंगे each और question number two is तीन ही question है sorry question number three how it steam formed what is steam converted into what steam means and how does the steam converts into water droplets मतलब पानी की बूंदे और ये सब क्वेश्चन भी इनका आंसर करना मत भूलना। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नीचे है बस आप स्क्रोल करेंगे बस अब वो स्क्रोल करेंगे स्क्रीन को नीचे तो वो कमेंट बॉक्स आएगा जिसमें अब जहाँ कमेंट वर्ड आएगा वहाँ आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही स्पेस फैक्ट्स मिल सके। हाँ मैंने स्पेस फैक्ट्स नहीं बोला हाँ मैंने मुझे पता है मैंने स्पेस फैक्ट्स नहीं बताया पर पिछली वीडियो में मैं स्पेस फैक्ट्स लिख दिया हूँ पिछले वीडियो में मैं पिछले वीडियो
दिया कि सूर्य की ग्रह कितने ग्रह तब जाता है, ईच ग्रह किस किस से बना हुआ है, पत्थर से बने ही ग्रह पत्थर से बने ही ग्रह होते हैं या गैस से बने ही ग्रह होते हैं, थोड़े से ग्रह के पास रिंग्स होते हैं या नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में आंसर करेंगे। दो हम बाय बाय टाटा हैव अ नाइस डे।